हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था गेज के बारे में, आइए उससे आगे कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइन बार के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि यदि हमें किसी कोण को मापना होता है तो हम बेसिकली प्रोट्रेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा 1 डिग्री की एक्यूरेसी में कोण को मापा जाता है या चेक किया जाता है। उससे अधिक एक्यूरेसी में जाना होता है तो हम वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि 5 मिनट तक की एक्यूरेसी में माप देता है। यदि हमें उससे और अधिक एक्यूरेसी में किसी कोण को मापना है या फिर चेक करना है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं साइन बार का। ये किसी भी कोण को या किसी भी टेपर के एंगल को 1 मिनट तक की एक्यूरेसी में चेक कर सकता है। तो आइए देखते हैं साइन बार के बारे में। साइन बार क्या है? ये भी एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका प्रयोग किसी भी टेपर एंगल या फिर जॉब के टेपर को 1 मिनट तक की एक्यूरेसी में चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेटल कई बार पूछा गया है कि वर्नियर जो सॉरी साइन बार होता है किस मटेरियल का बना होता है। साइन बार आपका स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही ऑप्शन दिया जाता है, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। सपोज दैट, मान लीजिए अगर ये एग्जाम में ना दिया जाए ऑप्शन में, तो वहां पर हम हाई क्वालिटी स्टील या फिर टूल स्टील के तरफ भी जा सकते हैं, बट एग्जाम में स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील ही दिया रहता है। तो नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं या फिर इसका लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें दो रोलर्स लगे होते हैं, जो सबसे बाहरी वाले, उन रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से हम क्या करते हैं, इसका साइज लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर सेंटर, जो इसमें दो रोलर्स लगे होते हैं उनके जो बीच की सेंटर की दूरी होती है, उसके द्वारा हम इसकी साइज को या इसकी लंबाई को मापते हैं। बेसिकली 100 mm, 200 mm और 300 mm लंबाई तक के पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्य के अनुसार हम इनका सिलेक्शन कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो जो साइन बार है बेसिकली दो प्रकार के आते हैं, दो ग्रेड हमें पाए जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड वाले की एक्यूरेसी 0.0001 इंच प्रति इंच होती है, और बी ग्रेड वाले साइन बार की एक्यूरेसी 0.002 इंच प्रति इंच होती है। सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, ए है तो ए का मतलब 1001 इंच पर इंच, बी है तो बी का मतलब 2.0002 इंच पर इंच इसकी एक्यूरेसी होती है। बट मेजर कितने एक्यूरेसी में करता है, तो 1 मिनट तक की एक्यूरेसी में कोण को मेजर करता है। इसके बाद पूछा जाता है कि साइन बार में 3 से 4 या 4 से 5 होल बने होते हैं, उन होलों का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन में कई सारे विकल्प दिए होते हैं कि उसमें वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए या बोल्टों को स्थान देने के लिए, और एक जो ऑप्शन दिया जाता है होता है साइन बार को आसानी से हैंडल करने के लिए। तो अगर उसको हम बोल्ट को आसानी से क्लैंप कर लेंगे, वर्क पीस को क्लैंप कर लेंगे, तो ये जो सारी चीजें होती है हमारी इंक्लूड हो जाती है हैंडल करने में। तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना है, टू हैंडल साइन बार इजिली, साइन बार के आसानी से रख रखाव या आसानी से उसे प्रयोग करने के लिए उसमें 3 से 4 होल बने होते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि साइन बार का प्रिंसिपल क्या है, साइन बार किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो साइन बार त्रिकोणमितीय सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो के सिद्धांत पे कार्य करता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण वाले सिद्धांत पे कार्य करता है। अब इसको प्रयोग करते समय जो हम इसको सरफेस प्लेट पे रख के बेसिकली प्रयोग करते हैं, तो जो सरफेस प्लेट की सतह होती है वो आधार का कार्य करती है, एज ए बेस के रूप में वर्क करती है। और जो इसके साथ हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, तो जितनी स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है स्लिप गेज की, वो कार्य करती है अपोजिट साइड या फिर लंब के रूप में कार्य करती है। और जो तीसरा होता है हमारा लेंथ ऑफ साइन बार, जो कि दो रोलर के सेंटर के डिस्टेंस होती है, वो कार्य करती है एज ए हाइपोटेनियस कर्ण के रूप में कार्य करती है। सपोज दैट कुछ इस प्रकार का ऐसे आपकी सरफेस प्लेट होती है। इस सरफेस प्लेट पे हम क्या करते हैं, स्लिप गेजेस के ऐसे ब्लॉक को रखते हैं, यहाँ पर स्लिप गेजेस के ब्लॉक को रखते हैं। इसका मान लीजिए हमें टेपर का एंगल चेक करना है, तो हम साइन बार को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिट करते हैं। तो जो यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं, इनके जो केंद्र के बीच की दूरी होती है, इसका साइज होती है। ये जो सरफेस प्लेट की सतह है, ये आधार का कार्य करती है। जो स्लिप गेज की हाइट है, स्लिप गेज की ऊंचाई है, ये कार्य करती है हमारा लंब का, अपोजिट साइड का। और यहाँ पर जो साइन बार फिक्स होता है वो कार्य करता है हाइपोटेनियस या कर्ण का। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लेते हैं, इसकी एंगल वगैरह निकाल लेते हैं।
फार्मूला क्या आता है, जैसा कि हम जानते हैं अगर हमें साइन एंगल निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब के रूप में यहाँ हमने क्या लिया है, तो लंब के रूप में ये वाली सरफेस हो जाएगी, मतलब हाइट ऑफ स्लिप गेज, जो स्लिप गेज की ऊंचाई होगी वो लंब के स्थान पे आ जाएगी। और दूसरा होता है बटा कर्ण, तो कर्ण के रूप में यहाँ क्या दर्शाया गया है, दर्शाया गया लेंथ ऑफ साइन बार, जितनी भी साइन बार की लंबाई होगी 100 mm 200 mm वो यहाँ पर ले ली जाएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हाइट ऑफ स्लिप गेज बटा लेंथ ऑफ साइन बार, इसके अनुसार हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। या फिर अगर हमें एंगल दिया गया है, इस दोनों में से कोई निकालना है, तो उसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये साइन बार वाली टॉपिक कुछ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके बाद हम डायल टेस्ट इंडिकेटर, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली एक मेजरिंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका प्रयोग मेजरिंग के लिए भी करते हैं और चेकिंग के लिए भी करते हैं। क्या ये चेक करता है, क्या मेजर करता है, तो बेसिकली क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम किसी भी जाप की फ्लैटनेस, जो समतलता होती है, या फिर पैरेललिज्म, जो समांतरता होती है, टेपरनेस, जो भी उसमें टेपर है, या फिर कंसेंट्रिसिटी, जब हम किसी जाप को लेचक पे होल्ड करते हैं सिलेंड्रिकल जाप को, तो वहां पर उसकी हमें कंसेंट्रिसिटी चेक करनी होती है, संकेंद्रियता चेक करनी होती है कि वो सेंटर में है कि नहीं, संकेंद्र में है कि नहीं है, तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ किसी जाप की ओवरनेस, उसकी ओवरिटी चेक करनी है, तो उसके लिए भी हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ये कितने एक्यूरेसी में माप लेता है, तो ये 0.01 mm या 0.001 inch की एक्यूरेसी में माप लेता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 0.01 mm या फिर 0.001 mm के एक्यूरेसी में माप लेता है। अगर इसका प्रिंसिपल पूछा जाए जनरली कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब टाइप के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, सबसे पहला आता है प्लंजर टाइप, दूसरा होता है लीवर टाइप। प्लंजर टाइप में क्या होता है, इसमें जो प्लंजर लगा होता है स्टाइलस, इसकी हमें लीनियर मोशन को, जिसकी लीनियर चाल होती है, सीधी चाल होती है, उसके मैग्निफिकेशन को, जो स्केल बनी होती है, उस पर रैक और पिनियन की सहायता से उसे हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जो प्लंजर टाइप होता है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म कार्य करता है, रैक और पिनियन, इसका कार्य क्या होता है, स्टाइलस की लीनियर मोशन को इंडिकेटर के रोटरी मोशन में चेंज करना, ठीक है, लीनियर मोशन को किसके, प्लंजर या स्टाइलस के, चेंज करता है किसमें, रोटरी मोशन ऑफ इंडिकेटर। तो इसलिए ये कार्य करता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर। तो दूसरा वाला होता है लीवर टाइप इंडिकेटर होता है, ये प्रिंसिपल पे बेस होता है लीवर और स्क्रॉल मैकेनिज्म पे। ये भी पूछा जा सकता है कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसके नाम में ही निहित है कि ये कार्य करता है लीवर और स्क्रॉल के मैकेनिज्म पर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो लीवर लगे होते हैं उसको, तो कहां प्रयोग करते हैं, लीवर टाइप जो इंडिकेटर डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, इसका जो स्टेम होता है सीधे स्ट्रेट सॉलिड होता है, इसको हम बेल्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्लॉट वगैरह में टिल्ट नहीं कर सकते। और जो आपका ये लीवर टाइप होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके जो हम लीवर को क्या कर सकते हैं, एंगल पे टिल्ट कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर प्लंजर टाइप वाला प्रयोग नहीं किया जाता। आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, रैक और पिनियन, और जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो लीवर और स्क्रॉल के मैकेनिज्म पे वर्क करता है। लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm या 0.001 inch की एक्यूरेसी में जो आपको चेक और मेजर करता है। इसके बाद एक टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कंपैरेटर गेज के बारे में, कि कंपैरेटर गेज कहाँ प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटर गेज का प्रयोग किया जाता है कोई भी, अगर हमारी जो स्टैंडर्ड स्लिप गेज है या रिंग गेज है, जितनी भी गेजेस होती हैं, से आपको पता है स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं अन्य गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अब स्लिप गेज को भी प्रयोग करते करते उसमें भी कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसकी अगर हमें एक्यूरेसी को चेक करना है, तो हम प्रयोग करते हैं कंपैरेटर गेज का। ये कितनी एक्यूरेसी में चेक करता है, तो 0.02 micron, 0.02 micrometer, या कह सकते हैं 0.00002
एमईएम तक की एक्यूरेसी में, इतने की लिस्ट काउंट में जो आपको मेजर करता है या चेक करता है, ठीक है, कितने 0.02 माइक्रोन या 0.4 × 10⁻²² mm की एक्यूरेसी में जो आपको चेक कर सकता है। इसका काम क्या होता है, स्लिप गेज, रिंग गेज, इस सब की एक्यूरेसी को चेक करना। उपयोग के अनुसार पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल टाइप कंपैरेटर गेज हो गया, इसका प्रयोग बेसिकली वर्कशॉप वगैरह में ज्यादातर किया जाता है। इसके बाद न्यूमेटिक कंपैरेटर आता है, इसका प्रयोग ज्यादातर मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इसमें क्या होता है, 6 से लेकर 10 वायुमंडलीय दाब पर जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो प्रेस की जाती है, उस पर यह कार्य करता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, जिसमें की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसके सिद्धांत पे कार्य करता है। ये किसी भी मैग्निफिकेशन को 10^5 बड़ा करके, इनलार्ज करके उसको दिखाता है। तो है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जाता है वो ऑप्टिकल कंपैरेटर का पूछा जाता है, कि ऑप्टिकल कंपैरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो ये प्रकाश किरणों के अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित होता है। किसके आधार पर, प्रकाश की जो किरणें होती है उसके अपवर्तन के सिद्धांत पे बेसिकली वर्क करता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये थी गेज की टॉपिक, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के गेजों के बारे में जाना, डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर, साइन बार के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एक बार वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके देखिए, नोट्स टॉपिक वाइज लाइन वाइज लाइन बनाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।